हेलो गाइस, स्टडी क्योर के अलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन की जो है बात करते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन में जो है पहला आपका जो है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब डी हाइड्रो हेलोजनीकरण रिएक्शन। तो यहाँ पे नाम पे जाइए, पहले नाम पे। डी मतलब क्या होता है, रिलीज, हाइड्रो मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, और हेलोजन, हेलोजन ना इसका मतलब हेलोजन ना, और रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा कोई कंपाउंड है और ये हमारा क्या है, KOH है, और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट लिया क्या, एथिल अल्कोहल ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो KOH की अभिक्रिया जब हम किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किन बनता है, ठीक। तो चलिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं। R बराबर हमने ले लिया क्या CH3, और X बराबर हमने ले लिया क्या Br। तो हमने इसको राइट कर लिया इस प्रकार राइट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एल्किन का फॉर्मेशन हो गया है, तो बहुत ही कुछ देखिए घबराने कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, ये आपका CH3 ऑलरेडी वैसे ही लिखा गया है, तो इस CH2 का इस CH2 का क्या निकला हुआ है, हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल के बन गया क्या, डबल बॉन्ड, और ये जो Br है वो Br निकल के बन गया क्या, KBr, ठीक। और उसके साथ जो OH था, जो वहाँ का H निकला हुआ था, बना लिया क्या H2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, एल्किन बन गया ना, इसका जो नाम है क्या, प्रोपीन है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकला, हेलोजन भी निकला, हाइड्रोजन H2O बनाया, और जो है हेलोजन जो है एक नया कंपाउंड बनाया KBr। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी निकलता है, ब्रोमीन भी निकलता है, क्लियर, ठीक है। तो अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेठ जैप जो थे, उन्होंने अपना रूल दिया, उन्होंने ये बताया कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसके साथ ऋणात्मक चार्ज जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि जिस कार्बन के पास ऋणात्मक जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे निकटवर्ती कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या निकलता है, उन्होंने ये रूल में अपने बताया। तो देखिए ये आपका जो है पूरा कंपाउंड हो गया, KOH से अभिक्रिया कराया। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इससे जुड़ा हुआ क्या है आपका, एक आपका जो है हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि उससे निकटवर्ती कार्बन की हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ का जब हाइड्रोजन निकला तो बन गया क्या, CH3CH, और यहाँ पे जो ऑलरेडी जो है CH3 था, और ये Br आपका जो है निकल क्या बना लिया, KBr प्लस H2O। तो सेठ जैप ने यही बताया कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके निकटवर्ती कार्बन की जो है क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो उन्होंने ये बताया, ये आपका सेठ जैप रूल था, ठीक। तो सीधा यहाँ पे क्या करना है, जब आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपके OH से कराएंगे इन प्रेजेंस आप जो है एथिल अल्कोहल, तो आपका क्या बनेगा, एल्किन बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या, ओटज रिएक्शन में देख लेते हैं क्या होता है। तो ओटज रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड, दो मोल आप एल्किल हैलाइड लेते हैं और दो मोल जो है सोडियम लेते हैं, उनका जो है ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्किन बनता है, उसके साथ साथ क्या निकलता है, सोडियम हाइलाइट निकलता है, ठीक है। तो अभी आप बहुत साइंटिस्ट आएंगे जिसे ये ओटज रिएक्शन है, हो जाएगा उट्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, उट्स फिटिंग रिएक्शन। तो अभी आप हम एल्किल हैलाइड की केस में देखते हैं, ठीक। अब देखिए सीधा यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन सोडियम से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बन गया क्या, हमारा एल्किन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओटज रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, एल्किन बनता है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम से, तो वो बनाता है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम बोलते हैं क्या, RMGX, उसे हम क्या बोलते हैं, RMGX, ठीक है। तो जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं किससे, H2O से और ROS से ना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है देख लेते हैं। तो जब हम H2O से कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की
रिएक्शन जो है तो हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है, उसके साथ साथ जो है क्या निकलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बाहर निकलता है। ठीक उसी पर देखिए आप रिएक्शन में देख रहे हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर H2O का बनाया, यहाँ से R, यहाँ से H निकल के RH बना लिया और ये जाके पूरा जुड़ गया। ठीक बस वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, ROH है, RMGX है। ठीक है तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या बन रहा है, ये चीज़ ऐसे हो गया, ये चीज़ ऐसे हो गया, RH जो निकल गया बाहर और ये जो आपस में मिलके जो है ये बना लिए। ठीक तो हमारा जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ H2ROH। ठीक है तो ये था आपका जो है, जल्दी से आप सब लोग पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है तो अब हम जो है आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन के कुछ नेमिंग रिएक्शन जैसे S1 रिएक्शन एंड S12। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।